नमस्कार, आप सभी को राम राम। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने नई गाइडलाइंस निकाली है और इन गाइडलाइंस के हिसाब से 13 ज़िलों में नई गाइडलाइंस के हिसाब से रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50% कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाज़त दे दी गई है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट हैं: जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, बड़गाम, शोपियाँ, गांदरबल और पुलवामा। इन सभी ज़िलों में अब रेस्टोरेंट्स और बार को 50% कैपेसिटी पे खुलने की इजाज़त दे दी गई है। रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट आपको अपने साथ लाना पड़ेगा। आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसके अलावा जो पेड पब्लिक पार्क्स थे वो भी खुल जाएंगे और जितनी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के अंदर दुकानें थी उन सबको खुलने की इजाज़त दे दी गई है। ये बड़ा अपडेट है। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनको भी खुलने की इजाज़त दे दी गई है 50% कैपेसिटी के साथ। जिम, स्पा और हेल्थ सेंटर्स अभी इनको खुलने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। ये गाइडलाइंस कल से इम्प्लीमेंट होगी। अब देखने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट्स और बार्स में क्या लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट और रैट की रिपोर्ट लेकर आते हैं या फिर इस चीज़ की चेकिंग होगी, क्योंकि ये गाइडलाइन में तो लिखा है लेकिन ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।